दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वॉल सेल्फ के बारे में। वॉल सेल्फ फिक्स कैसे करें, कौन सा तरीका सही है वॉल सेल्फ फिक्स करने का। आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पर ये हमारा ये वॉल सेल्फ है, हम लोग 19 mm का प्लाई में रेडी किया हूँ और दोनों तरफ ये हमारा लेमिनेट लगा हुआ है, पूरा फिनिशिंग है। तो अब हमें इसको फिक्स करना है, कैसे फिक्स करना है, कौन से ट्रिक से फिक्स करना है, तो आपको इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा जो है वॉल सेल्फ रॉड है, ये इफको कंपनी का है। इसका साइज का बात करें तो ये हमारा 8 mm का मोटाई है ये, और ये लेंथ का बात करें तो ये हमारा लेंथ 8 इंच का है। तो हम लोग को इसको फिक्स कैसे करना है। अभी जिस हाइट पे आपको सेल्फ जाम करना है, सेल्फ को फिक्स करना है, उस हाइट पे सेल्फ को रख करके मार्क लगा लेंगे। हम लोगों ने मार्क लगा लिया हूँ और उसके सेंटर में ये हॉल लगा करके ये वॉल प्लग भी हम लोगों ने लगा रखा हूँ। हम लोगों के ये साइज में फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए आप देख सकते हैं ये इस तरीके से इसमें लगाया जाता है ऐसे। आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये साइड में 2 फिक्स किया है और ये साइड में हम लोग 1 करेंगे। 1 इसलिए करेंगे क्योंकि ये कॉर्नर सेल्फ है। कॉर्नर सेल्फ में अगर हम लोग ये साइड भी 2 करते हैं, 1 करने में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम लोगों ने रॉड को छोटा काट करके ग्राइंडर मशीन से हम लोगों ने काट करके छोटा किया है ताकि ये जो सेल्फ लगाने में दिक्कत ना हो। अब ये हम लोग को रॉड लगाने के बाद अब क्या करना है, ये सेल्फ को ऐसे रख करके और हम लोगों को मार्क लगाना है जहां पे ये रॉड है उसके सेंटर में मार्क लगाना है इस पर। तो हम लोगों ने मार्क लगा कर लगा लिया हूँ और फिर उसके बाद 8 mm का बिट से हम लोग हॉल करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारा ये 2 छेदा ये साइड के लिए कर लिया हूँ, इधर 1 करना है। इधर छेदा करने के लिए हम लोगों को इस तरीके से छेदा करना पड़ेगा थोड़ा लॉन्ग में। अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो आपका सेल्फ अंदर जाने में प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें अब थोड़ा थोड़ा इसमें फेविकोल डाल देंगे, इस हॉल के अंदर थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा देंगे। अब उसके बाद हम लोग को देखिए डालना, पहले ये 2 साइड में हम लोग को डालना है। ऐसे यहां तक देखिए, यहां तक डालने के बाद इधर अभी हमारा गैप है। अब हम लोग थोड़ा सा सेल्फ को कैच करेंगे ऐसे ऐसे ताकि फिर इधर से धक्का लगाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा सेल्फ अच्छा तरीके से फिक्स हो गया है, इस तरीके से आप वॉल सेल्फ को फिक्स कर सकते हैं। ना यहाँ पे क्लिप दिखेगा ना कुछ दिखेगा आपको, ये फिनिशिंग के मामले में ये जो वॉल सेल्फ है अच्छा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।